क्या आपने कभी सोचा है अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए या आपका फ़ोन खो जाए तो इस सिचुएशन में आपके फ़ोन में जितने भी नंबर सेव थे या आपके सिम कार्ड में जितने भी नंबर सेव थे आप उन सभी नंबर को कैसे वापस ला सकते हो वो भी खुद से। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस सिचुएशन में आप अपने फ़ोन का जितने भी नंबर आपके फ़ोन में सेव थे, जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर आपके फ़ोन में सेव थे, उन सभी नंबर को आप खुद से वापस कैसे ला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर ले ताकि इस तरह की जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फंडा समझना होगा। जब भी आप कोई न्यू फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हो, फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस आते हैं जिसमें आपको अलाउ करना होता है। उसमें होता है आपको लोकेशन को अलाउ करना और उसके बाद आपके फ़ोन में जितने कॉन्टैक्ट नंबर है उनको अलाउ करना। जब आप उन्हें अलाउ करते हो तो आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं और जो आपकी लोकेशन होती है उसे फेसबुक एक्सेस करता है। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि आपका जितना भी नंबर आपके फ़ोन में होता है वो सभी के सभी नंबर आपके फेसबुक में भी अपलोड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके नंबर को दिखाती है, लेकिन अगर मैं फेसबुक की यहाँ पे बात करूँ तो फेसबुक में आप अपना नंबर नहीं देख सकते हो। यहाँ पे फेसबुक ने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है कि आप अपनी खुद की लोकेशन या आपको ने जितना भी नंबर आपके फेसबुक में अपलोड है वो नंबर को आप नहीं देख सकते हो। लेकिन अगर यहीं पर बात करें फेसबुक लाइट की तो आप फेसबुक लाइट में ये सब देख सकते हो कि आपका जितना भी नंबर अपलोड है फेसबुक लाइट में वो आप खुद से चेक कर सकते हो और उसे डिलीट या निकाल भी सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको यहीं पे बताऊंगा कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो आपके फ़ोन या सिम कार्ड में जितने भी नंबर थे वो नंबर आपने फेसबुक लाइट से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। बस आपको उसी आईडी को लॉगिन करना होता है किसी दूसरे फ़ोन या कोई भी फ़ोन में। लॉगिन करने के बाद आप अपना नंबर निकाल सकते हो। तो कैसे, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको फेसबुक लाइट इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करना है। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो करेगा सेटिंग का, तो सिंपली आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा पब्लिक पोस्ट, उसके नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इम्पोर्टेड कॉन्टैक्ट्स का, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उससे पहले आपको ध्यान रखिए कि आपको फेसबुक लाइव में अपनी वही आईडी ओपन करनी है जिस भी नंबर से आपने फेसबुक अकाउंट बनाया था। अब वो नंबर या वो फ़ोन या वो सिम कार्ड खो गया है तो सिंपली आपको यहाँ इम्पोर्टेड कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको आपके फ़ोन में जितना भी नंबर सेव था वो सभी के सभी नंबर यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। लेकिन ये फेसबुक में अभी तक तो ये ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है कि आप अपना खुद का नंबर नहीं देख सकते हो फेसबुक में, लेकिन फेसबुक लाइट में आप देख सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे अभी भी मेरे फ़ोन में 2144 नंबर है और इन सभी नंबर को आप डिलीट ऑल पे क्लिक करके खुद से डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपका फ़ोन कभी भी चोरी हो जाए या फिर खो जाए तो आप जितने भी फ़ोन या सिम कार्ड में आपके नंबर थे वो सब नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको शो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको आपका नंबर दिखा दिया जाएगा, तो इन नंबर को आप यहाँ से निकाल सकते हो। आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट बार चैनल पर आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।